मैगा की हालचाल दोस्तों, स्वागत है आपका बगड़ ऑन स्ट्रीट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ फिर से एक बार चांदनी चौक की तंग गलियों में, और यहाँ पर आज हम विजिट कर रहे हैं दी दिल्ली एंटरप्राइजेस, जो कि डील करते हैं प्रोजेक्टर्स में। यहाँ पर हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हम लोगों को, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। इसीलिए आज हम यहाँ पर दोबारा विजिट कर रहे हैं और इनके जो नए प्रोजेक्टर हैं उनकी क्या रेंज है, कैसे वो आप तक पहुँचने वाले हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, चलते हैं बात करते हैं यहाँ के ओनर से और लेते हैं इस जगह की सारी जानकारी अब डिटेल में। सो लेट्स गो। दोस्तों दिल्ली एंटरप्राइजेस से मेरे साथ फिर से एक बार हैं उमेश भाई। उमेश भाई कैसे हो, नया साल मुबारक हो आपको। भी आपको भी और आप सभी को, आपके जितने व्यूअर्स उन सबको हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। तो बताइए अशोक भैया क्या करना है आज, क्या क्या देना है? भाई नया साल आया है, नई चीज़ें हम दिखाएंगे, है ना। और आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जो लोग उमेश जी को नहीं जानते वो हमारी पुरानी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें डिटेल में हमने बात करी है कि भैया कब से काम कर रहे हैं और किस तरह के प्रोडक्ट में ये लोग डील करते हैं। आज हम नए साल में नए प्रोडक्ट जो हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले नए से शुरू कर देते, पुराने तो लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो पिछली वीडियो को चेकआउट कर लो। बिल्कुल। तो सबसे पहले आए थे इधर, ये देखिए भैया, ये है एक टच वाला पैनल जिसको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के नाम से भी लोग, डिजिटल बोर्ड कई तरीके के नामों से लोग पुकारते हैं, जैसे कि नोट है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज, जैसे कि बैकग्राउंड में कोई भी कलर हमने लेना है, ये ले लिया हमने, कुछ भी लिखना है, ओके। जैसे देखिए द दिल्ली एंटरप्राइजेस, काफी लोग ट्यूशंस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से यूज कर सकते हो इसमें ट्यूशन के लिए। इसके अंदर ना ये देखिए भैया शेप्स वगैरह भी मिल जाती है आपको, जैसे ये 3D वाली मिलेगी, ठीक है, अच्छा। 3D वाला मिल गया, ठीक है। 2D वाला भी अगर हम यूज करना चाहते हैं, ये 2D वाला भी मिल गया, ये देखिए, ओके, ठीक है। और अच्छी चीज पता है इसके अंदर क्या है, यहाँ से आप ब्राइट को भी कम ज्यादा कर सकते हो, आई केयर भी आप अनेबल कर सकते हो इसके अंदर, अच्छा, ठीक है। HDMI वगैरह सारा, साउंड बहुत अच्छा है। साउंड के लिए भैया आप लोगों को डेमो लेना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट का पंगा रहता है, ठीक है, ठीक है। और अगर बात करें, देखिए इसके अंदर फुल स्मार्ट है और प्लस 4K। एक और अच्छी चीज बताता हूँ, इसके साथ आपको 3 साल की वारंटी और ऑन साइट कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर केयर वाले पे कॉल करना है, वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव आपके एड्रेस पे विजिट करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, ये पूरा टच में, अभी तो पेन से चला रहा था, मैं फिंगर से चला रहा हूँ। अच्छा, दोनों से ऑपरेट हो जाता है, दोनों से ऑपरेट हो जाता है और 20 फिंगर टच है। अच्छा, मतलब 20 फिंगर को एक साथ हम टच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर के अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। और सब ये को पढ़ाने का भी एक तरीका होता है ना, जैसे कि खान सर वगैरह जो भी पढ़ाते ना, जी 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 भैया, जैसे कि भैया सब्सक्राइब कर लो ना हमारे चैनल को, बोल देना, तो इस तरीके से भी आप पढ़ाना कर सकते हो भैया। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाता है तो उसके लिए भी ये बोर्ड काफी यूजफुल होने वाला है। बिल्कुल यूजफुल होने वाला है। अच्छा, अब इसके फीचर की बात कर लेते हैं थोड़ा भैया। इसके अंदर आपको 4GB रैम मिलेगी, 32GB रोम मिलेगी, प्लस 4K है पूरा डिस्प्ले, ठीक है। इसमें कंप्यूटर वगैरह आप अलग से भी अटैच कर सकते हो, इनबिल्ड लेना चाहते हो तो इनबिल्ड भी मिल जाता है। अच्छा, साउंड की आपने बात करी थी। अंदर देखो, इसके अंदर दो पोर्ट दिखेंगे जो कि हार्ड ड्राइव वाले मिलते हैं और इस साइड में पीछे की साइड में भी है इसमें, ठीक है, ठीक है। दो स्पीकर, एक इधर मिलेगा और एक इधर, 15-15 वाट के दो स्पीकर मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक ब्रांडिंग मिल जाएगी हेवनॉक्स की, ऐसे वाले आपको दो पेन मिलेंगे और एक रिमोट मिलेगा, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक लैन केबल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसके साथ मिलने वाली है और 3 साल की वारंटी ऑन साइट, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर केयर पे कॉल करना है, एग्जीक्यूटिव आएंगे ठीक करके जाएंगे, हालांकि कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज देखिए भैया, मैं इसको होम पेज पे लेके जाता हूँ और ये एक टफन होता है आगे, अच्छा, तो इस पे ना कोई भी परेशानी नहीं होती और स्क्रैच भी नहीं आती। और एक फीचर और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, अगर हम 5 फिंगर को इसको प्रेस करके रखते हैं ना, लॉक लग जाएगा, अच्छा। और 5 फिंगर को हम करेंगे ना, प्रेस करके रखेंगे तो ये देखिए, वाव, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। अच्छा, इसे एज अ हम LED भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कर नहीं? सकते हो, कर सकते हो, कर सकते, कर सकते हो ना? इसके अंदर HDMI का पोर्ट है ना, उसके थ्रू आप सेटअप बॉक्स वगैरह कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। फुल स्मार्ट है, ठीक है। एंड्रॉइड 11 है, अपग्रेड होके फ्यूचर में एंड्रॉइड 13 हो जाएगा ये, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, साइज के बारे में बात करते हैं। ये साइज है 65 इंच, इससे बड़ा वाला आता है 75 इंच और 86 इंच, ठीक है, ठीक है जी। और प्राइस के बारे में बात करें क्या भैया? प्राइस को लेके ना बहुत ज्यादा वो होगा, कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है,
व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज। आप क्वांटिटी के थोड़े से अलग रेट होंगे और वन पीस के थोड़े से अलग रेट होंगे। अच्छा। वारंटी सभी के अंदर मिलेगी आपको 3 साल की ऑन साइट। अच्छा, इसको इंस्टॉल करना कितना आसान है? बहुत आसान है। और हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसके साथ ना ब्रैकेट जो इंस्टॉल वाला वॉल ब्रैकेट होता है वो फ्री में है। अच्छा, वो फ्री में मिलेगा जैसे हमें टीवी के साथ मिलता है। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। अगर काफी लोग इसको देख रहे हैं और अगर इसको इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भैया से जो प्राइस है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी इसके अंदर है भैया। अच्छा, अगर तुम एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, इसमें मोबाइल भी कनेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल भी कनेक्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए, मतलब पूरा ये एक तरह से स्मार्ट हम एलईडी समझे इसे, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हम इसके और भी बहुत सारी चीजें ये देखिए, ये यहाँ से अगर मैं स्मार्ट मीटरिंग करूंगा, ये देखिए आ गया। अरे वाह, मिरर हो जाएगा, कुछ भी चलाना चाहे ना मोबाइल में वो सारी चीजें मिररिंग भी हो जाएगा। और दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें हैं, जितना ज्यादा दो एक साथ चला सकते हो स्क्रीन, इसके अंदर दो स्क्रीन एक साथ चलाने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो पहले इसके अंदर जैसे कि हमने नोट ओपन कर लिया, ठीक है ठीक है, उसके बाद हम यहाँ की सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में स्प्लिट स्क्रीन। Okay. स्प्लिट स्क्रीन में क्या होगा, देखो आधे में ये चल गया, आधे में हम कुछ भी जैसे ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पे हमने कुछ भी पढ़ाना है ठीक okay. है, जैसे अगर कोई और हमने ओपन कर रखा हो फोटोज वगैरह, तो उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं बड़े आसानी से। अरे वाह, मतलब ये तो बहुत ही मल्टी फंक्शनल एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मतलब किसी भी चीज की कोई भी, यू नहीं कह सकता इसमें ये कनेक्ट नहीं हो रहा, इसमें ये नहीं हो रहा, वो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अगर जैसे ये फोटो है, हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे राइट यहाँ पर, और इसको उठा के हम अपने नोट पे ला सकते हैं, हम इस पे नोट पे लेके आ सकते हैं इसे। ओके, मेरे ख्याल से वो कॉपीराइटेड का चक्कर है, ये से इंपोर्ट इंपोर्ट टू नोट ओके करेंगे, वहां से ये आ गया। वाह, ये देखिए भैया, वाह भाई वाह, ये सेम फोटो आप वहां से यहां उठा के रख लिया। अब यहां पे इसके बारे में कुछ भी समझाना है, राइट 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 राइट, कलर वगैरह चेंज करना है आपने, ये देखिए लाल सारी चीजें, पेन वगैरह चेंज करना है आपने तो पेन भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी हम इसे एज अ प्रोजेक्टर बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप प्रोजेक्टर में क्या पहले आया करता था इंटरेक्टिव बोर्ड, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती थी। राइट राइट राइट, प्रोजेक्टर, इसके अंदर प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, इसमें अंधेरा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप नॉर्मल धूप में चला लेंगे ना उसमें भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह भाई वाह, प्राइस अगर जानने हैं तो प्लीज व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए, भाई खुल के प्राइस नहीं बताना चाहते। बिल्कुल नहीं भैया, लेकिन आप प्राइस के लिए इतनी गारंटी देता हूँ, सब जगह घूम लो ना उसके बाद मेरे पास आ जाना, प्राइस को मेरे को लेकर ना शिकायत नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, इसी के साथ अब जो आपके मेन प्रोडक्ट है ना उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलो भैया, सबसे ये देखिए प्रोजेक्टर है, ये वाला मॉडल चल रहा है काफी, तो फुल स्मार्ट है, एंड्रॉइड 11 एक यही मॉडल है जो एंड्रॉइड 11 है, हालांकि सभी के अंदर पोर्ट आपको मिलेंगे राइट ठीक है। ये वाला मॉडल मिल रहा है एक आपको, क्या प्राइस पे दे रहे हो? ये वाला मिलने वाला आपको सिर्फ 8,500 रुपए में, 8,500 रुपए। फीचर्स थोड़े से फीचर समझा देता हूँ, इसमें 150 इंच तक की स्क्रीन बनाएगा ठीक है, क्योंकि डार्क रूम का होता है, जितने भी मैक्सिमम स्क्रीन होती है वो सारे मतलब डार्क रूम की होती है ठीक है ठीक है जी। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको हेडफोन, एवी, दो यूएसबी, एक एचडीएमआई प्लस मोबाइल मिररिंग भी कर सकते हो आप इसके अंदर ठीक है, रिमोट से भी यूज कर सकते हो, मैनुअल बटन भी दिए हुए हैं। कुछ गारंटी वारंटी मिलती है? बिल्कुल भैया, 1 साल की वारंटी मिलेंगे हमारे सभी प्रोजेक्टर के अंदर। ओके, 1 साल की वारंटी मिलने वाली है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हो या फिर वीडियो बना के भेज सकते हो, मतलब आप कॉल कीजिए उसका सोल्यूशन आपको हम जरूर देंगे। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले उमेश भाई एक बहुत ही सिंपल सवाल। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। चांदनी चौक जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है काफी लोगों ये के बात आपने बिल्कुल सही बोला और मेरे को याद भी दिलाया, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स आते हैं ना वो बहुत परेशान होते हैं कि पार्किंग नहीं है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। मैं आना कैसे, सीधा सिंपल बता देता हूँ, कोई भी कहीं से भी आ रहे हो आपको लाल किले वाली पार्किंग ही चूज करनी है, परेड ग्राउंड वाली पार्किंग को चूज करोगे तो भैया जितना टाइम आने में नहीं लग रहा ना उतना टाइम वहां लाइन में लगने में हो जाएगा ठीक है। तो आप लाल किले के बराबर में एक पार्किंग है ठीक है, उस वाली पार्किंग को यूज कीजिए ठीक है, वहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा सा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 10 मिनट भी नहीं 5 से 8 मिनट के बीच में आपको लगेगा, आप पैदल आइए ठीक है। बाकी हमारा लैंडमार्क चांदनी चौक में SBI बैंक है, बहुत बड़ा SBI बैंक है, वहाँ के आप हमें कॉल करेंगे हम पिक भी कर लेंगे ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर वैसे भी कोई आना चाहता है तो SBI बैंक के जस्ट बराबर में कैनरा बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, कैनरा बैंक के जस्ट बराबर से सीढ़ियाँ चढ़ रही है मोबाइल एसेसरीज की शॉप है, जो एसेसरीज वगैरह बेचते हैं छोटी सी शॉप लेके बैठे हुए, उसी सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना है आपने और पहली दुकान हमारी दा दिल्ली इंटरप्राइज पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपको नाम लिख रहा होगा, ये दा दिल्ली इंटरप्राइज, बाहर बोर्ड भी दिख जाएगा आपको। और कोई कंफ्यूजन हो तो आपको, कोई कंफ्यूजन हो सकती है तो आप कॉल कर सकते हो। बाकी नियर बाय मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है, चांदनी चौक भी है प्लस लाल किले भी, लाल किले की गेट नंबर 1 से बाहर निकलना है मेट्रो से।
ठीक है, चलो इसी के बाद दूसरे बजट अब ये वाली बात करते हैं भैया। ये वाला मॉडल है इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि अच्छा। हर किसी को हम ज्यादातर यही प्रेफरेंस करते हैं कि भैया ये वाले मॉडल से आप स्टार्ट कर सकते। क्या खास है इसमें? खास ये है कि इसकी एक तो ब्राइटनेस थोड़ी सी अच्छी है, दूसरी चीज इसके अंदर सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे किसी के पास सीपीयू भी है ना तो वो भी अटैच कर सकते हैं थ्रू। ओके, दो HDMI, दो USB, AV और हेडफोन, मतलब कि ऑक्स भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया, फुल स्मार्ट है, मोबाइल कनेक्टिविटी, वाईफाई, यूट्यूब, ब्लूटूथ सारी चीजें मिलेगी। क्या प्राइस दे रहे हो अभी ये वाला? इसके अगर प्राइस की बात करें ना भैया, तो ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपए में। 12,500 में, ठीक है। इसके बाद ये वाले मॉडल की बात करते हैं, देखिए भैया ये वाला मॉडल आपको मिलने वाला है 16,000 रुपए का, ठीक है। फीचर्स फीचर्स आर्क HDMI, और एक अच्छी चीज बताता हूँ इस वाले मॉडल के बारे में, इस वाले मॉडल के अंदर ना आपको लाइव टेलीविजन चला के दे देंगे। अच्छा, हाँ, ओके। इस वाले मॉडल के अंदर जो हम चैनल्स वगैरह देखे ना, जी सिनेमा वगैरह, ये सारे जी। देखो इसके पोर्ट्स की अगर बात करें ना आपको, दो HDMI, दो USB, AV और हेडफोन, बहुत बड़े ब्लूटूथ भी है। उसके लिए एक चीज और बता दें तो वो कब तक चलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चला के देंगे आपको, बस इंटरनेट लगाना है अपने, बिना सेटअप बॉक्स के आप लाइव टीवी चैनल देख सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद इसकी बात कर लेते, इस वाले की बात कर लेते भैया। ये वाला मॉडल भी है और काफी अच्छा है ये भी, जो कि 280 इंच की स्क्रीन ये भी बनाएगा और ये वाला भी बनाएगा, ठीक है। ठीक है जी, होम थिएटर में भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट विजिबिलिटी भी काफी अच्छी मिलेगी। इसके अगर पोर्ट्स की बात करें, इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। HDMI, AV और VGA, दो सारे पोर्ट मिलने वाले, सारे, और 5G वेंट भी मिलेगा इसके अंदर आप। अच्छा, 5G वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वारंटी वगैरह क्या है? एक साल, सभी की एक साल वारंटी मिलने वाली है। प्राइस क्या ले रहे हो इसका? 16,500। अच्छा, और उमेश भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहाँ पे काफी लोग हैं जो सेम आपकी तरह बिजनेस कर रहे हैं, करते हैं ना, प्राइस कंपटीशन बहुत होता है, तो आपके यहाँ कोई निगोशिएशन वगैरह है या नहीं? भैया कसम खा के तो हम काम बिल्कुल नहीं करते, कोई आते तो हम उनका सम्मान जरूर करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रोजेक्टर हमारा आप 8 घंटे कंटिन्यू चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते ना 6 घंटे 4 घंटे, भैया उनका माल होगा तो वो बोलते हैं, ठीक है, हमारा माल नहीं है। आप हमारे इस वाले मॉडल की अगर मैं बात करूँ ना, पर्सनली मैंने ना रात को चला के छोड़ दिया और सुबह 10 बजे बंद किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे वाह, मतलब तो मतलब कि 12 से 14 घंटे कंटिन्यू पर्सनली मैंने चलाया इस वाले मॉडल को। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो आप हमारे मॉडल को ना कंटिन्यू चलाओ, 8-9 घंटे 3-4 मूवी कंटिन्यू देख लो, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, भैया ये वाला मॉडल है 350 इंच वाला। अच्छा, 350, ये मतलब कमर्शियल यूज में भी कर सकते हो आप। और दूसरी चीज इसके अंदर बढ़िया चीज बता दूं, ये देखिए फिल्टर मिलने वाला है। ओके, ठीक है। काफी लोगों को ना ये पता नहीं होगा भाई फिल्टर का यूज क्या है, इसको फिल्टर का यूज ही है। जैसे कि देखिए ये छोटा मॉडल है एग्जांपल हम इसका, क्योंकि इसके अंदर फिल्टर नहीं, छोटे मॉडल में फिल्टर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें जब हवा ले रहा होता ना, यहाँ से ये हवा लेगा जी अंदर, तो इसके साथ डस्ट भी जाएगी सीधी। ओके, ठीक है। अब डस्ट जाएगी तो स्क्रीन पे दिखेगा, राइट। इस वाले के अंदर अगर डस्ट लेगा ना तो एयर अंदर से इसके अंदर, तो डस्ट इसके ऊपर चिपके रह जाएगी, ठीक है। जहां पर उस वाले छोटे मॉडल में आपका 30 दिन के अंदर डस्ट अंदर चली जाएगी ना, तो इस वाले के अंदर आपको कम से कम 60 दिन तक नहीं जाएगी। ओके, और इसको इजीली साफ भी कर सकते हैं? आराम से बिल्कुल एयर वाले से उससे इस्तेमाल कीजिए और सारा साफ। प्राइस बताएं इसका क्या? इसका मिलने वाला है सिर्फ 20,500 और एक साल की वारंटी। एक और अच्छी चीज है इसके अंदर, जैसे कि हम इस वाले मॉडल के अंदर ये देख रहे हैं ना, राइट, फोकस वाली रिंग, जी जी जी, इसके अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, देख लो जी। ओके, ये ऑटो फोकस है? हाँ, ये ऑटो फोकस नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रिक फोकस है, इलेक्ट्रिक फोकस, रिमोट से फोकस कर सकते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। ये देखिए इसके पार्ट्स की, पोर्ट्स की बात करें, दो HDMI, आर्क HDMI भी मिलने वाला है आपको इसके अंदर, ठीक है। HDR का ऑप्शन मिलने वाला है, ओके, 4K सपोर्ट होता है HDMI के थ्रू, ठीक है जी। RJ45 इंटरनेट डायरेक्ट लगा सकते हो आप इसके अंदर। डिस्टेंस की बात करें एक बार, हाँ, कोई भी आउटपुट बनाने के लिए अच्छा कितना मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस? वो डिपेंड करता है अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर अच्छा। आपने 6 फीट की स्क्रीन चलानी है तो 6 फीट के लिए कम से कम 8 से 10 फीट के बीच में डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। और अगर उस थोड़ा कम है तो डिस्टेंस, जिसके घर में अगर कम है तो स्क्रीन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, फिर स्क्रीन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बजट अच्छा नहीं है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज, ठीक है जी। स्क्रीन बड़ी चाहिए, हाँ, तो फिर भैया जगह ज्यादा चाहिए, डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए। ज्यादा डिस्टेंस चाहते हो ना, मतलब कि ज्यादा बड़ी स्क्रीन चाहते हो तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस अच्छा और चाहिए। अगर डिस्टेंस कम है तो स्क्रीन छोटी बनेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बात करें जरा, ये वाला देखिए भैया, ये पूरा टच वाला बटन है इसके, ओके, ठीक है जी, ठीक है। इसमें आपको फोकस और कीस्टोन सब कुछ मिलने वाला है, इसमें भी फिल्टर मिलने वाला है। अरे वाह, इसका फिल्टर तो और भी एडवांस है, ठीक है जी। ये फिल्टर मिल जाएगा इसके अंदर, पोर्ट्स इसके अंदर भी मिलने वाले हैं, ठीक है, ठीक है जी। इसके लुमेंस वगैरह भी काफी अच्छे, और साउंड आउटपुट की बात करें, साउंड आउटपुट इसके अंदर 5-5 वॉट के स्पीकर लगे हुए, लेकिन आप
ब्लूटूथ के थ्रू और HDMI जैसे कि डॉल्बी साउंड वगैरह आपने यूज करना है तो HDMI के थ्रू साउंड आउट ले सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज ये कि ऑक्स से भी आप कनेक्टिविटी दे सकते हो, ब्लूटूथ से भी दे सकते हो। क्या प्राइस ले रहे हो इसका? इसका 19,500 जी। बहुत बढ़िया। पैन इंडिया डिलीवर करते हो? पैन इंडिया डिलीवर करता है, डिलीवरी आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी लेकिन कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा सभी मॉडल के अंदर जो भी आप मॉडल लेना चाहते हो। ठीक है, आपकी वेबसाइट भी है शायद? हाँ, हमारी वेबसाइट है, दिखा दूंगी। हाँ जरूर, अगर आप यही देख लेते हैं, स्क्रीन पे देख लेते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको वेबसाइट दिखा। हाँ, वेबसाइट भी देख लेते हैं। और उससे ऑर्डर करना आसान है? पेमेंट गेटवे कैसा है? पेमेंट गेटवे वगैरह भी है, सब कुछ है उसके अंदर। आपने अगर कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए भैया वेबसाइट है हमारी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सीधा जाके यहाँ से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन 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 एक चीज बता देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट आपको अप मिलेगा क्योंकि यहाँ पे शिपिंग चार्जेस शिपिंग चार्जेस होते हैं, प्लस यहाँ पे जो आप पेमेंट करते हो उसका पेमेंट चार्ज, गेटवे का चार्ज, पेमेंट गेटवे का चार्ज, बहुत सारी चीजें होती है, पैकिंग वगैरह। और दूसरी चीज भैया रिस्क होता है, बता दो रिस्क क्या होता है। यहाँ पे हम आपसे कोई भी एडवांस नहीं ले रहे अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हो तो। अच्छा, ठीक है, आपने ऑर्डर किया, आपके पास कॉल आएगी कंफर्मेशन के लिए, आपने डन किया, देन डिस्पैच। ठीक है, वाई चांस आपने नहीं लिया तो हमारा तो रिटर्न आ रहा, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आना है। दूसरी चीज जो आने जाने का खर्चा है वो लगना है, बहुत इसलिए थोड़ा सा ऊपर ही होगा इसमें जो अमाउंट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आए हो तो भाई एक्सेसरीज भी दिखा दो ना, ये वाली, ये देखो भैया दिखा देते, स्क्रीन की बात कर, ये देखो ये स्क्रीन आ गई भैया, राइट, ये वाली स्क्रीन आपको हमारे पास 3 से 4 वेराइटी में मिलने वाली है। ठीक है, एक होती है नॉर्मल जिसे सेम ऐसी होती है, हाँ। बस खींच के नीचे किसी कील से अटकाएंगे तो रुकेगी, अच्छा वरना नहीं रुकेगी। ठीक है, ठीक है, एक आती है इम्पोर्टेड वाली, ये देखिए इसको कहीं भी हम रोक सकते हैं, ये देखिए, अच्छा कहीं भी कुछ भी नहीं लगाया, पीछे टीवी है, कहाँ रोकेंगे, सही बात है। तो ये देखिए कहीं भी रोक सकते हो आप इसको, बहुत बढ़िया। ये वाली ये अगर बात करें ये इम्पोर्टेड है, इसी में की एक और आती है जो की रिमोट से अप डाउन होती है, अच्छा वो भी है आपके पास, वो भी है। इसका प्राइस क्या पड़ता है? इसका स्टार्टिंग प्राइस अगर नॉर्मल इस ऐसे फैब्रिक की बात करूँ ना, इस टाइप के फैब्रिक की बात, हाँ। करूँ तो ये वाला फैब्रिक आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का। अच्छा, और इस तरह का अगर मशीन वाला किसी 2,200 रुपए का, ठीक है बहुत बढ़िया। इसकी बात करें अगर इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं, ये वाला मॉडल भैया टॉप मॉडल है, राजा मॉडल है, सभी को पीछे करने वालों में से। अच्छा, क्या है इसमें खास? खास बात यह है कि इसके अंदर कलर कंट्रास्ट वगैरह काफी अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये इसको आप रख दीजिए, फोकस करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही फोकस करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहा होगा, राइट 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 राइट। अब भैया हम ना एक ना वीडियो और बनाने वाले हैं क्योंकि कुछ लोग, देखो ये वाले मॉडल की अगर बात करें तो कुछ लोग बहुत सस्ते में भी बेच रहे हैं, तो हमेशा ना एक चीज कोई भी क्लाइंट हो या मैं हूँ आप भी समझने की चीज है, बनाने वाला सिर्फ एक है, राइट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसे बना रहा हूँ, अगर मैं इसको 5 रुपए का बेच रहा हूँ जी, ठीक है, तो दूसरा बंदा इसे 4 रुपए का कैसे बेच सकता है? राइट, सही बात है, नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ, 5 रुपए की मेरी लागत है, मतलब 4 रुपए की लागत है, 5 रुपए में बेच रहा हूँ। लेकिन कोई बंदा क्या होता है, अब उसका भी फंडा समझाता हूँ, कोई जो क्वालिटी मांगता है ना वो 5 रुपए में ही लेके जाता है, राइट। लेकिन कोई कहता है कि भैया मेरे को ना क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ पीस सेम दिखना चाहिए, राइट। तो ये चीज 3 रुपए की भी मिल जाएगी। अच्छा, तो भैया कहने का मतलब ये है कि सेम चीज सस्ती भी मिल जाती है, लेकिन जब साथ में रख के कंपेरिजन करोगे ना तब समझ में आएगा कि प्रोडक्ट है क्या। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा जरूर। इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट जरूर बने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका भाई आपसे लेना चाहेगा अलविदा।